कोविड-19 की सेकेंड वेव है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय कोविड-19 का पेंडेमिक था, लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद अनलॉकडाउन भी हुआ था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जम्मू का दफ्तर जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बंद रहा था। आज भी खबर ये मिल रही है उन लोगों से जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस अपना काम करवाने आए थे, आप बाहर लोग देख सकते हैं, लोगों के हाथों में फाइल्स हैं, लेकिन आज भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर का जो गेट है वो दोबारा से आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। अभी हमने जिन लोगों से बात की उनका ये कहना था कि आज वो लोग जो एडवोकेट्स हैं, जो नोटरीज हैं, जिनके चैम्बर्स अंदर हैं, वो भी जब अंदर गए तो उनको भी मना कर दिया गया और उनको कह दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपना काम करवाने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, आप कोई काम कराने आए हैं यहाँ पे? मैडम, काम करवाने आए हैं। तो अंदर जाने दे रहे हैं आपको? नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। क्या बोला जा रहा है? ये कह रहे हैं कि यहाँ कोरोना की वजह से गेट बंद कर दिया गया है। अच्छा, तो इसे जो है 3 दिन के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। 3 दिन के लिए कहा है आपको? तो आप कितनी दूर से आए हैं यहाँ पर काम कराने? मैडम, जहाँ से कोई 32 किलोमीटर दूर से आए हैं। आपको पता नहीं था कि आज दफ्तर बंद रहेगा? नहीं पता था हमें बंद है। तो यहाँ आके आपको गार्ड ने बताया कि ये दफ्तर आज बंद है? यहाँ पे आए, गेट पे आए, तब हमें पता चला कि यहाँ जो बंद कर दिया गया है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे खड़े हुए? तकरीबन 1 घंटा हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद जहाँ से आए हैं तो खाली हाथ ना लौटे। चलो, जो भी है, अब मजबूरी है, क्या करें। आप देख सकते हैं, पहला तो वहाँ पर बोर्ड ऑलरेडी जो है पेश किया हुआ है, यहाँ पर ये कागज इसमें लिखा हुआ है नो एंट्री विदाउट मास्क, यानी कि बिना मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कोविड-19 के केसेस जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते आज डिप्टी कमिश्नर गार्ड्स का भी ये कहना है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि आज किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो बाहर जो पब्लिक है, आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ पर गैदर हुई हुई है, और कई सारे यहाँ पर वो लोग भी हैं जो गुर्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनका ये कहना है कि वो माइग्रेशन लेने के लिए जो है यहाँ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आए थे, और उन्होंने जब जाने की कोशिश की कि माइग्रेशन का क्या होगा, तो उन्हें कहा यह गया है कि उन्हें 6 बजे तक माइग्रेशन दे दी जाएगी। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए थे? हम परमिशन के लिए आए थे सर। किस चीज की परमिशन के लिए? डेरा परमिशन जा रहे, तो इसलिए हम डेरा परमिशन के लिए। कितनी देर से आप यहाँ पर आए हुए हैं? हमें 1 महीना हो गया, पूरा महीना सुबह से यहाँ आए, एप्लीकेशन लगाई हुई 1 महीना हो गया, 28 तारीख को लगाई थी। तो अंदर से कोई आया, कुछ बताया आपको? बताया था, पहले आए थे तो फिर कोई नहीं आया, हम बाद में आएंगे, 6 बजे आएंगे, 5 बजे, तो बाद में कोई नहीं आया था अभी तक। रमजान चल रहे हैं तो कई सारे लोगों ने रोजा भी रखा होगा? रखा, सुबह रोजा रख के आते हैं और शाम तक इधर ही बैठे रहते, कुछ कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। पहले तो दफ्तर खुला हुआ था, तब आपने अंदर जाके किसी से मुलाकात की, उनसे जाने की कोशिश? कब तक जाने नहीं दिया? नहीं जाना, गेट बंद किए सुबह से, सुबह यहाँ के लोकल आदमी जो भी है वो जा रहे हैं अंदर, हमने नहीं छोड़ते ये अंदर, बस ये लोकल भी है वो भी बाहर फाइल लेकर इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताएं, परमिशन को लेकर कुछ बताया उन्होंने कि परमिशन कब तक मिलेगी? कुछ नहीं बताते। सवेरे के यहाँ हमारा रोजा कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर एडवोकेट बता रहे थे कि अंदर से ACG जो है वो बाहर आकर ये भी वादा करके गए कि 6 बजे तक मिल जाएगी, बोला, मगर अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, वादा किया अभी तक कोई नहीं आया। तो कितने सारे आप लोग हैं जो आप सुबह से यहीं पर खड़े हैं? 200-250 तक होगा, 500 तक, वो उधर बैठे हुए नीचे। आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर जो है लोग जो है अलग अलग कामों के लिए आते हैं डिप्टी कमिश्नर से के दफ्तर में। यहाँ पर ये जो गुर्जर बकरवाल तबके के लोग हैं ये माइग्रेशन की परमिशन लेने के लिए आए थे, लेकिन इनका ये कहना है कि हम सुबह से यहाँ पर हैं, रमजान चल रहे हैं, रोजा भी कुछ लोगों का यहाँ पर है, लेकिन हमें डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। साथ ही में जो यहाँ पर वकील बाहर बैठे हुए हैं या फिर जो नोटरी बाहर बैठे हुए हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया और ये कहा कि पहले जो लोग कैमरा के आगे अपेयर होकर कहते रहे कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू का दफ्तर क्यों बंद है, उनके लिए क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, इसलिए हम कैमरा के ऊपर तो नहीं आना चाहते। लेकिन हमें फिलहाल ये बताया गया है कि 3 दिनों के लिए डिप्टी कमिश्नर का ये दफ्तर बंद रहेगा। ऑफिशियल ऑर्डर की जहाँ तक बात है, रिटर्न ऑर्डर अभी तक इनमें से किसी को नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये कहा है कि गार्ड ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है कि किसी को भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में जाने ना दिया जाए, और कारण कोविड-19 का पेंडेमिक बताया जा रहा है। हालांकि जब से डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग जम्मू में आए हैं SDC जम्मू, उन्होंने बहुत ही अच्छे कदम भी उठाए हैं। शुरुआत में जिस समय इंडिसिप्लिन को रोकने के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने अपने दफ्तर का दरवाज़ा बंद किया था सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए,
जो कि 10:15 के बाद दफ्तर आ रहे थे, और साथ ही में COVID-19 की जहां तक बात है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की बात हो, शॉप्स को लेकर ऑर्डर्स हो, जो कदम उठाने की जरूरत है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब आप पब्लिक के लिए दफ्तर को बंद कर देंगे, दफ्तर के गेट्स बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग जो है वो दफ्तर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि कोविड फैलने के चांसेस भी कितने हैं। यहीं अगर डिप्टी कमिश्नर को अपना दफ्तर बंद भी करना था तो आम लोगों का ये कहना है कि कम से कम हमें बता दिया जाता कि दफ्तर बंद रहेगा, ताकि हम दूर दूर से अपने घरों से निकल कर यहां तक आते ही नहीं, हमें मालूम नहीं था कि दफ्तर बंद होगा, अपनी फाइल लेकर यहां पर पहुंचे तो गार्ड ने कह दिया कि अंदर आप नहीं जा सकते। साथ ही में अंदर कई सारे लोग आपको डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के अंदर दिख भी रहे होंगे। हमने जब गार्ड से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो दफ्तर के अंदर हैं, तो बताया ये गया कि कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जो अंदर हैं, और उसके अलावा कुछ वकील भी हैं जिन्हें जाने की इजाज़त जो है वो दी गई जब उन्हें कोई काम करवाने के लिए जाना था। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन जहां तक बात है आम पब्लिक का, आम पब्लिक के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है कि आम पब्लिक डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में नहीं जा सकती। अब ये ऑर्डर की ये जो कहा गया है, आदेश दिए गए हैं, हालांकि कोई फॉर्मल ऑर्डर इशू नहीं किया गया, ये कब तक रहेगा इस बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखना ये है कि जहां तक बात है गुर्जर बकरवाल तबके के लोगों के इस माइग्रेशन का, उन्हें माइग्रेशन कब तक मिलती है, और साथ ही में ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू का दफ्तर आखिर जम्मू में कितनी देर तक बंद रहता है।